मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में 20 स्थानों पर एक साथ रोजगार मेले का आयोजन करवाया गया। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के साथ 20 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन करवाया गया है। उज्जैन में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसके शुभारंभ अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक उत्तर पारस चंद्र जैन, उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने दीप जलाकर रोजगार मेले का शुभारंभ किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व सांसद अनिल फिरोजिया ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार मेले में देश भर की 27 कंपनियां उज्जैन में पहुंची हैं और इसका लाभ लेने के लिए जिले भर से लगभग 4 से 5 हजार अभ्यर्थी पहुंचे हैं। शुभारंभ के अवसर पर हाथों हाथ 10 अभ्यर्थियों को रोजगार के प्रमाण पत्र भी दिए गए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में आज 20 स्थान पर रोजगार मेला लगा रहे हैं और ये रोजगार मेले का मतलब ही है कि हमारे अपने युवाओं के लिए काम देना, खासकर कोरोना जैसे कठिन काल में आज के इस दौर में लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, ऐसे में कंपनियां आकर के प्लेसमेंट दे रही है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मेरे साथ यशस्वी हमारे अपने सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी भी मौजूद हैं, हम सब मिल करके माननीय पारस जी थोड़ी देर पहले ही गए हैं, हमने सब ने आज शुभारम्भ किया है, उम्मीद कर रहे हैं कि इसका लाभ सबको उठाएंगे और आने वाले समय में इस स्थान को, इस जगह को और सशक्त करते हुए लोगों को स्थायी रोजगार की दिशा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, उस सपने को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने आत्मसात करते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अगर आत्मनिर्भर होगा, हमारे दूसरे प्रांत आत्मनिर्भर होगा तो ऑटोमेटिक ही भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसी तारतम्य में आज यहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 27 कंपनियाँ आई हैं और लगभग 5 से 7 बड़ी कंपनियाँ आई हैं, बाकी छोटी छोटी कंपनियाँ आई हैं और यहाँ पे कम से कम 4 से 5 हजार हमारे युवा आए हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं।